अखिल भारतीय प्रधान संगठन की प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की एक बैठक का आयोजन लखनऊ के दारुल शफा में किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों से प्रतिनिधियों ने पहुंचकर बैठक में हिस्सा लिया। सभी लोगों ने अपने विचार रखे। एक सुर में सभी ने कहा कि आज के समय में ग्राम प्रधान इतना परेशान है कि अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकता, और इतने कम समय में जो काम है उन्हें कराना भी बहुत मुश्किल है। काम कराते समय आज बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान के ऊपर FIR और जांच जैसी बातें डाल दी जाती हैं, और पूरी तरह से ग्राम प्रधान को ऐसे कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया है जिसको करने का काम अन्य विभागों का था। लेकिन ग्राम प्रधान आज भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहा है। किसी कार्य के लिए ग्राम प्रधान कभी सरकार से मना नहीं करता और सारे कार्य कराने के लिए पूरा प्रयास करता है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारें ग्राम प्रधान को उस नज़र से नहीं देख रही जिस नज़र से उसे देखना चाहिए, क्योंकि केंद्र और राज्य की सरकारों द्वारा चलाई गई योजनाओं को धरातल पर लाने का काम सिर्फ ग्राम प्रधान करता है। वक्ताओं ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 3500 रुपये का मानदेय ग्राम प्रधान की मोटरसाइकिल के पेट्रोल को भी पूरा नहीं कर सकता, जबकि ग्राम प्रधान के ऊपर इस समय इतने कार्य लाद दिए गए हैं जिनको ग्राम प्रधान बड़ी मेहनत के साथ पूरी ईमानदारी से करता है और सरकार की योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने में सहायक होता है। लेकिन सरकारें ग्राम प्रधानों की समस्याओं को कम न करके और बढ़ाती जा रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक यादव ने कहा कि इस समय ग्राम प्रधान को सरकारें पूरी तरह से घेरने का काम कर रही हैं और ग्रामवासियों को ग्राम प्रधान के पीछे लगाने के काम में भी सरकारें पीछे नहीं हट रहीं। उन्होंने कहा कि 73वें संविधान संशोधन में जो अधिकार ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधानों को दिए गए थे, आज वह एक भी अधिकार ग्राम पंचायतों के पास नहीं है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 29 अधिकार ग्राम प्रधानों को मिले हैं। यदि वो अधिकार ग्राम प्रधानों को दे दिए जाएं, तो ग्राम पंचायतों के विकास में 4 चांद लग जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब हमें अपनी ताकत का एहसास सरकारों को कराना होगा, क्योंकि पिछली सरकार में भी जब 20 अक्टूबर 2016 को अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में अपनी ताकत को दिखाने का काम किया था, तब सरकार ने 1000 रुपये मानदेय में बढ़ोतरी की थी और जो कार्य 50000 रुपये तक के ग्राम प्रधान और सचिव करा सकते थे उनकी सीमा भी बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई। इसके साथ साथ 15000 रुपए वार्षिक अतिरिक्त खर्च के रूप में भी मिलना शुरू हुआ था। लेकिन मौजूदा सरकार में सचिव मानदेय तक निकालने का काम नहीं कर रहे। अतिरिक्त खर्चा निकालना तो बहुत दूर की बात है, कहीं ना कहीं आज सचिव का राज ग्राम पंचायतों पर चल रहा है, जबकि ग्राम सभा का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है और गाँव का प्रथम व्यक्ति भी ग्राम प्रधान ही होता है। वर्ष 2019 में लोकसभा का चुनाव प्रस्तावित है और उससे पहले हम जिस तरह से हमने 2016 में पूर्व की उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी ताकत का परिचय कराकर आंशिक रूप से ही सही लेकिन कुछ मांगों को पूर्व की सरकार के द्वारा हमने हमारे अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने मनवाने का काम किया था, आज भी वही समय दोबारा से आया है। दोबारा से उत्तर प्रदेश के प्रधान साथियों के लिए ये समय दोबारा से मिला है कि हम लोग अपने एकता का संगठन का परिचय देकर फिर दोबारा से हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित लखनऊ और दिल्ली की सरजमी पर कर रहे हैं जिससे प्रदेश और देश की सरकार अखिल भारतीय प्रधान संगठन की ताकत को पहचान सके। वर्तमान में प्रधान साथियों का प्रशासनिक अमले के द्वारा माध्यम से सरकार उत्पीड़न करने का काम कर रही है, उस उत्पीड़न को बंद कराया जा सके और जो बरसों पुरानी प्रधान संगठनों की और खासकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन की मांग है कि पूर्ण भारत में एक समान एक पंचायत राज व्यवस्था जो 73वां संविधान संशोधन 92-93 में हुआ था वो संविधान संशोधन पूरी तरह से लागू होना चाहिए। ग्राम पंचायतें पूर्ण बॉडी के रूप में काम करना चाहिए जिस तरह से राज्य की सरकार चलती है। सरकारों से
कुछ अलग से नहीं मांग रहे हैं, ये हम वो मांग मांग रहे हैं जो संविधान ने हमको 92 वर्ष 1992-93 में हमको दिया है, लेकिन वर्तमान सरकारें या पूर्व की सरकारों ने जिसको लागू नहीं किया। तो ये बहुत अच्छा मौका है हमें अपनी ताकत का प्रदर्शन करके इस सरकार को, जो वर्तमान सरकार है जिसकी उत्तर प्रदेश और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है, उनको अपनी ताकत का एहसास कराकर प्रधान हित में कुछ फैसले कराए जाए। सभी ने एक सुर में कहा कि अब आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। काफी विचार के बाद तय किया गया कि सभी लोग अपने अपने जिलों में बैठक करके आगे की रणनीति तैयार करें और जब सब लोगों की एक राय संगठन के प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यालय पर पहुंचेगी तो संगठन उस पर विचार करेगा। इस दौरान राष्ट्रीय कमेटी के शिव भूषण उपाध्याय, ज्ञानेंद्र सिंह के अलावा तमाम राष्ट्रीय एवं प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी व पूरे जिले से आए जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। जिलाध्यक्ष साहब प्रतिनिधिमंडल भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात किया। भूपेंद्र चौधरी जी ने स्पष्ट यही शब्द कहा कि प्रधान साथियों का रवैया ठीक नहीं है, शौचालय का पैसा खा रहे हैं। बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा श्रीमान जी आप पहले मिलते नहीं है, अगर हम लोग आ गए हैं तो आप ऐसी बात कह रहे हैं। मैंने उनसे सारी बातें बताई कि 12,000 रुपया जो आप शौचालय के नाम पर देते हैं, उस शौचालय 12,000 रुपये में अगर आपका कर्मचारी जनपद का कोई शौचालय बनकर दिखा दे, हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। हमने उसे बताया कि आपका जिला अधिकारी कहता है एक नंबर ईट का प्रयोग होना चाहिए, आपका जिला अधिकारी कहता है कि सीमेंट की 3 और 1 का मसाला लगना चाहिए, आप जो मनरेगा में मजदूरी देते हैं उस मजदूरी में किसी भी ग्राम सभा में मजदूर मिलना असंभव है, नहीं मिल सकता है। मैंने कहा श्रीमान जी 300 रुपया लगता है, तब ग्राम सभा में जो मजदूर 45 डिग्री टेम्परेचर में काम करने के लिए 300 रुपए के नीचे कोई मजदूर मिलता नहीं है। राजनीतिक पार्टियों मिशन 2019 है, हमारा मिशन 2018 है। 2018 में हम क्या करें, कैसे करें कि सरकार को छुपा दे। देखिए जब तक आप अपनी ताकत सरकार को नहीं दिखाएंगे तब तक न कुछ मिला है न मिलेगा। 25 साल में ये संवैधानिक अधिकार मिले। पिछले बार 20 अक्टूबर 2016 को कार्यक्रम हुआ है, उससे 8 गुना और 10 गुना ज्यादा बड़ा कार्यक्रम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी डेट दी जाए आज ही डेट मेरे ख्याल से तय हो जानी चाहिए, और जो डेट दे दी जाए करो या मरो की स्थिति पैदा करते हैं आप लोग। और 2018 में जब डेट दी जाए तो हर प्रधान साथी अपने साथ 5-5 लोगों को हर बूथ हर गाँव से लेकिन इसके बारे में हमारे कार्यकारिणी ने कहीं बयान नहीं दिया, इसका मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया।
तो ये हमारा सुझाव है कि ये होना चाहिए, होते रहना चाहिए बीच बीच में, कभी कभी एक महीने में आधे महीने में, ये हम लोग जब ब्लॉक पे या जिले पे मीटिंग बुलाए, हमारे जो भी जिला अध्यक्ष है या ब्लॉक अध्यक्ष, तो वो कहने लायक रहे कि हाँ हमारे कार्यकारी हमारी जो अखिल भारतीय प्रधान संगठन है वो काम कर रहे हैं, जिससे कि जो छोटे छोटे दल है जो संगठन है वो जो प्रचार कर रहे हैं वो उनका ना चले, उनका कभी कभी पेपर में आ जाता है, कहीं मुख्यमंत्री से मिलिए, कहीं किसी मंत्री से मिले, और हमारे अखिल भारतीय प्रधान संगठन का कहीं नहीं आता। अगले बार हम लोगों ने बैठक की थी, उसका हमको फायदा भी मिला, लेकिन सिर्फ दूसरे संस्था ने हम लोग नहीं, तो ये होना चाहिए। जिला व्यापार मंडल का महामंत्री आज भी मैं भदोही जनपद का, लेकिन मेरा मूल निवास मिर्जापुर है, मैं दो बार से ग्राम पंचायत में प्रधान हूँ। जब इस बार हमारी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई, मैं दो बार क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूँ, तो संगठन जो यह संगठन काम कर रहा है अखिल भारतीय प्रधान संगठन, मुझे व्यक्तिगत मेरी व्यक्तिगत जो सोच है, जब हमारी बात अध्यक्ष से हुई कि संगठन में आप अखिलेश जी काम करिए, हमने कहा अध्यक्ष जी हमारे पास टाइम नहीं है, मैं पेशे से कॉन्ट्रेक्टर भी हूँ। आज हम आपको बता दें, जो भी हमने सहयोग किया है अध्यक्ष जी को, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं 12 ब्लॉक है हमारे जनपद में, आज एक ब्लॉक 96 ब्लॉक है जहाँ से मैं प्रधान हूँ, और हमारे 96 ब्लॉक से ही 4 प्रधान साथी हमारे आए हुए हैं, सुरेश दुबे जी, रिंकू बाड़े जी और पुष्कर पटेल। जो भी सहयोग हमने लिया है 2000-5000 रुपया का, तो वो ये सब हमारे कार्यशैली पर खुशी से ये लोग दिए हैं, और जो भी मैं 2-4 बार यहाँ सहयोग किया हूँ वो सिर्फ 96 ब्लॉक है, नहीं मैं व्यक्तिगत सहयोग किया हूँ, मैं 12 ब्लॉक में चंदा लेने का काम नहीं हो गया बिल्कुल। तो हमारी व्यक्तिगत रीडिंग है कि जितेन चौधरी जी से हमारी बहुत कम बात होती है, लेकिन जो ये काम करते हैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन के लिए, हम प्रधानों के लिए, तो भाई ये हमारे निगाह से ये काबिल तारीफ है, ऐसा किसी के पास टाइम नहीं है। धन्यवाद। आपके पास व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप में भेजिए, हमारी क्या दिक्कत है, आप आगे घुसने दीजिए, यही रहती है, आप लेके दिल्ली तक रहते हैं, हम कहें आप अपना कभी भी, जैसे हम लोग अगर जैसे मीटिंग हम लोग नहीं रखे, संसद नहीं रखे, हम लोग का दोस्त है, लेकिन ये कि आप भी कभी इस बारे में पूछे हम लोग से कि क्या दिक्कत है, क्या हमारे संगठन में हलचल चल रही है, हलचल तो चलेगी क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आज ही हम लोग लड़ रहे हैं, पहले काम हम लोग लड़ाई करते रहे, हम लोग का मुद्दा क्या है, हम लोग का पॉइंट क्या है, हम उस लाइन पर चलेंगे कैसे, उस पर विचार करें, अगर वो अध्यक्ष जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर उसमें कहीं भी दुविधा में आए, तो अगर वो हम लोग से कुछ राय लेना चाहते हैं तो हम उनको सुझाव दे सकते हैं, हम सुझाव देने लायक नहीं है, लेकिन यह है कि कहीं न कहीं जैसे 10 की बात उसमें से एक को अच्छी निकल ही जाती है, इसलिए हम लोग सभी सम्मानित प्रधान सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष या सम्मानित किसान जितने वक्ता लोग हैं, सभी लोग से निवेदन है कि हम लोग एक होके चले, जब तक हम लोग एक नहीं होके चलेंगे तब तक हमारे इस संगठन में कोई भी कम नहीं है, हम लोग बिल्कुल खोखले हैं, आज एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कहीं भी हम लोग कहीं मुसीबत में हैं तो आप लोग अगर बुलाए हम लोग ना जाए, तब इस पर आप आकर मेरे ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर आप आरोप लगाए। मेरा सुझाव है, मेरे यहाँ पे भी कवर चलती है 5-6-7 धीरे आप धीरे मुरादाबाद तक डिस्टर्ब होते हैं, अध्यक्ष जी जब भी सम्मेलन का ऐलान स्थान डेट रखें तो उसे ध्यान में रखें थोड़ा सा, क्योंकि सभी रास्ते जाम हो जाते हैं, वो गलत ऐसा सब कुछ पहले देखिए, उसमें डिस्टर्ब हुए थे, सही बात है बता दिया आपकी बात, उसमें डिस्टर्ब हुए थे, और मेरा सुझाव है कि पहले हफ्ते सितंबर में या लास्ट अगस्त में ये सब कर लें, क्योंकि जज्बा है प्रधान में, हर प्रधान चाहता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करो, प्रचार प्रसार बहुत जरूरी होता है, मीडिया हमें कवरेज नहीं कर रहा है, हमारी बातें बहुत कम आ रही है पेपरों में न्यूज चैनलों में, जबकि सबसे मजबूत प्रथम इकाई जनप्रतिनिधि प्रथम विकास की इकाई ग्राम सभा, उसका कहीं ना कहीं मैं मानता हूं हमारे सभी प्रधान सभी जिला अध्यक्ष के समान
कुछ जिला अध्यक्ष हमारे इतने तेज तरार हैं कि वहां की समस्याएं राष्ट्रीय नेतृत्व तक आती ही नहीं, वो जिलों पर समाधान करा देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो विधवा विलाप करते हैं, कड़ा पद है। तो यह नहीं होना चाहिए, आप इतने सक्षम हैं कि जो अंतिम समस्या हो, जैसे हमारे मानदेय की, हमारे पेंशन की, हमें प्रताड़ित करने की, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तक आनी चाहिए। बाकी तो सीटीओ और डीएम को 50 प्रधान 100 प्रधान 500 1000 प्रधान किसी जिले में इससे कम नहीं है, और 500 में हम कह रहे 25% टूट जाए, 200 प्रधान टूट जाए तो विकास भवन में जगह नहीं रहेगी, ढेर लोग तुरंत काम हो जाएगा। लेकिन हम वो दो को नहीं जुटा पाते हैं, प्रदेश नेतृत्व तो राष्ट्रीय नेतृत्व में चक्कर में पड़े रहते हैं कि हमें जो है वो मिल जाए। मैं ये पूछता हूं, अभी राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे जिले का अधिकार दिया, कुछ जिले हैं 2-3-4 जिले मेरा भी जिला उसमें है, आप लोग नोट किए होंगे, जहां 1.5 लाख से 2 लाख रुपए चंदा हुए हैं 2-3 जिले। मेरे जिले पर जो इन्होंने बताया वो जिला से 1.5 लाख रुपए चंदा हुए हैं, 75 जिले हैं 1.5 करोड़ रुपया 1.25 करोड़ रुपया हो गए। कुछ जिले ऐसे हैं जो नगण्य हैं, कुछ जिले ऐसे हैं जो 11,000 रुपए, बिना धन के कोई संघर्ष नहीं होगा। 1.5 साल से हमारी गतिविधियां रुकी हुई हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण यही धन अभाव। मीटिंग होती है, सम्मेलन होते हैं, बच्चे लगते हैं। अध्यक्ष हमारे आदरणीय सीतापुर राम सेवक यादव जी, और हम इस पार्टी के हम लोगों के संगठन के संरक्षक आदरणीय बड़े भाई जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी संसद जी और लाठर जी और तिवारी जी और यहाँ पर हमारे बड़े भाई और जिला अध्यक्ष सम्मानित प्रधान और नौजवान साथियों, आपको ही देर से ये वार्ता चल रही है और मीटिंग चल रही है, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, 9 बजे यहाँ पे आ गए थे और बहुत देर तक समय हो गया है। हम अपनी बाड़ी ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें संगठन को लेकर के आ गई हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, और इन सुझाव के साथ साथ में ये जितने सुझाव आए हैं हम इस कार्यकारिणी से अनुरोध करेंगे और अपने अगुवाओं से अनुरोध करेंगे और निवेदन करेंगे कि जो ये सुझाव आए हैं इनको आगे मासिक होने वाली बैठक में इनका कहीं न कहीं अगर ज्यादा नहीं तो 100% नहीं तो 50% इन बातों का निदान और निर्णय जरूर किया जाए। एक बैनर के अंतर्गत 2016 में लखनऊ की सरजमी से उत्तर प्रदेश के प्रशासन को और पूर्व सरकार को पंचायतों की ताकत का एहसास इतिहास में पहली बार, जो मीडिया के साथी बाकी साथी हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं उनका भी यही मानना है कि इतिहास में पहली बार लखनऊ की सरजमी पर इतना बड़ा जनसमूह प्रधानों का 20 अक्टूबर में पहली बार देखने को मिला। निश्चित ये संगठन की बहुत बड़ी सफलता थी और कुछ न कुछ संगठन की तरफ से कमियां रही कि उसके बाद जिस तरह से संगठन को आगे बढ़ना चाहिए था या फिर जिस तरह से परिणाम आने चाहिए थे वो परिणाम नहीं आ पाए। उसमें सबसे बड़ी जो भूल मानता हूं वो मैं अपनी मानता हूं, हाँ जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाना है, क्योंकि अनुभव ज्यादा नहीं है लेकिन जिम्मेदारी निभाना है, काम करना है। गलती अगर हो जाती है तो गलती से सबक लेकर फिर काम में जुट जाना है। ये चीज मैंने अपने जीवन में सीखी, विश्वास करके प्रधान साथियों ने जिला अध्यक्षों ने बड़ा संघर्ष करके ताकत का प्रदर्शन तो कर दिया, लेकिन जो लीडरशिप जो नेतृत्व और उसके बाद की जो व्यवस्थाएं होना चाहिए थी, मैं संरक्षण महोदय के सामने ये गलती स्वीकार करता हूं कि हम लोग कहीं ना कहीं वहां पर चूक गए। आपको हम बताएं निश्चित, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, अखिलेश सरकार आपको जितना दिया उससे ज्यादा देने के लिए तैयार थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी रणनीतिक जो हमारी चूक रही उसकी वजह से
उस गलती की वजह से सरकार ने हमको पहली नजर में तो बहुत ताकतवर देखा और दूसरी नजर में बहुत कमजोर देखा। तो आंशिक रूप से आपको सफलता मिली, वो सफलता ज्यादा हो सकती थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। जिस जनपद में वो कार्यक्रम सफल रहा उस जनपद के अधिकारी आज भी अखिल भारतीय प्रधान संगठन का सम्मान करते हैं। हमने कार्यक्रम रखा था कि तहसील पर अपनी अपनी गांव पंचायत के जितने लाभार्थी हैं उन सबको लेके जाइए और कहिए कि प्रशासन आपकी सुनता नहीं, आपका कोई काम करता नहीं, ये आपका काम थोड़ी है, आप लेके जाइए और कहिए भैया हमको राशन कार्ड, हमारे गांव के लोगों को राशन कार्ड बनवा के दीजिए, हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भ्रम डाले हुए है, वर्तमान सरकार ने तो हद कर दी। अभी जो इनका जो वो चल रहा है गांव की तरफ जो क्या है अभियान, उस अभियान में गांव में जाकर सीधा सीधा जो बैठक कर रहे हैं वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं जनता को, सीधा कह रहे हैं प्रधान चोर है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, चौपाल जो चल रही है प्रधान चोर है। तो आप देखिए ना इसको समझिए। और दूसरी बात एक समझिए आप, अगर आप दोष देते रहोगे कुछ नहीं होगा, भीड़ बने पड़े रहोगे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमी यह है हम हिंदुस्तानियों में, हम लोग चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन वो चाहत हम दूसरे से करते हैं। हम चाहते हैं सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाए, सारे लोग रूल में आ जाए, सारे लोग कानून फॉलो करने लगे, लेकिन मैं फ्रीडम हूं, ऐसा कहीं ना कहीं हमारी हिंदुस्तानियों की सोच है। इस सोच को हमें बदलना होगा। जो आशा हम अपने पड़ोसी से करते हैं वो मुझे स्वयं बनना पड़ेगा। जो आशा हम अपने ब्लॉक अध्यक्ष से करते हैं, जिला अध्यक्ष से करते हैं, अगर हमारे प्रधान साथी उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने लगे और ब्लॉक में अगर इकट्ठा होने लगे तो मजाल है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी प्रधान का शोषण करते। लेकिन चूंकि हमने बस मान लिया है कि ब्लॉक अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी है सारे प्रधानों की रक्षा करना, ब्लॉक अध्यक्ष को कोई अलग से तनख्वाह नहीं मिल रही, जिला अध्यक्ष को कोई अलग से तनख्वाह नहीं मिल रही, हम प्रधानों को तो जागरूक होना पड़ेगा, अपनी लड़ाई हमें स्वयं की लड़नी पड़ेगी। तो इसी को आधार मानते हुए हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। देखिए कोई आरोप नहीं, मैं सारी चूंकि आप सब लोगों ने इतनी कम उम्र में इतना सम्मान दिया है, मैं तो बड़ा गौरवशाली हूँ, शायद बहुत कम लोगों को इतना सम्मान मिलता है, मैं तो आप सबका रेडी हूँ। इतनी कम उम्र में, इतने कम अनुभव में, जहां मैं लगातार गलती करता हूँ फिर भी उसके बाद आप मुझे माफी दे देते हो। इतनी गलतियां करने के बाद भी आप मुझे माफ कर देते हो, ये आपका बड़प्पन है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक एक बार फिर हाथ जोड़ के सभी से माफी मांगना चाहूंगा। संगठन का मुखिया आपने बनाया है, जब तक आप चाहेंगे इस लड़ाई को अंतिम पड़ाव तक, जब तक सांस है अंतिम सांस तक मैं लड़ने का काम करूंगा।